हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले हम लोग पढ़े थे हीट क्या होता है। तो हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट जो है ऊर्जा का एक रूप होता है, ये बात आप जानते हैं। और हीट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बट बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा ठंडा हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा हीट को अगर टच करते हैं तो हमारा हाथ जल सकता है, ये बात आप जानते हैं। और आगे आप जानिए थोड़ा बहुत कुछ और नया चीज़। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिड यू नो, आपसे पूछ रहा है कि क्या आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो अच्छा बात है, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। यानी कि द हीट फ्लो फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हमारे शरीर से जब हीट फ्लो होता है ना, हमारे शरीर के अन्य भागों में, ठीक है, यानी कि सेम बॉडी के एक पार्ट से अन्य पार्टों में जब हीट फ्लो होता है उसी को बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। एक ही बॉडी के एक पार्ट से जब अलग अलग भागों में जब हीट फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं, हीट का ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर हो रहा है। और आप ये जानते हैं हीट तब तक ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। स्केल ऑफ टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर के स्केल, इसमें जो है मुख्य रूप से दो ही स्केल दिया है, एक तो सेल्सियस स्केल और एक फ़ारेनहाइट स्केल। ये है आपका सेल्सियस स्केल और ये है फ़ारेनहाइट स्केल। इसके अलावा एक केल्विन स्केल भी होता है। और सेल्सियस स्केल का जो लोअर फिक्स पॉइंट होता है, यानी कि कहाँ से हम लोग मापना शुरू करते हैं, तो जीरो डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री हो गया, ये सेल्सियस हो, तो जीरो डिग्री सेल्सियस से हम लोग मापना शुरू करते हैं। और कहाँ तक जाते हैं, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक जाते हैं। यानी कि इसका लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है जीरो डिग्री होता है, और अपर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसी तरह अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट का जो लोअर होता है वो होता है 32 लोअर फिक्स पॉइंट, यानी कि 32 डिग्री से मापना शुरू करते हैं। और कहाँ तक मापते हैं, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री, और ये है आपका फ़ारेनहाइट, एफ मतलब फ़ारेनहाइट, ठीक है, सी मतलब सेल्सियस, सेल्सियस को हम लोग सेंटीग्रेड भी बोलते हैं। इसके अलावा केल्विन भी होता है, तो केल्विन को हम लोग 273 से मापना शुरू करते हैं, और कहाँ तक मापते हैं, 373 तक मापते हैं, ठीक है, यहाँ तक मापते हैं। ये है हमारा टेम्परेचर का स्केल। अब इस स्केल में होता क्या है, कह रहा है कि ये टेम्परेचर है ग्रेजुएस मार्किंग, और ये स्केल एक थर्मोमीटर के पास जो होता है ना, क्रमबद्ध मार्किंग होता है, एक ग्रेजुएशन मार्किंग यानी कि क्रमबद्ध मार्किंग, या एक स्केल होता है। ये क्रमबद्ध मार्किंग का मतलब हुआ कि जैसे मानते हैं कि अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ 12 होगा, यहाँ 13 होगा, या 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 18 19 20 सॉरी, ये अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 30 होगा, या 40 50 60 70 80 90 और 100, इस तरह से एक तरह का क्रमबद्ध मार्किंग होता है। और इसके बीच और 0 और 10 के बीच भी डिवाइड होता है, ये हम लोग जाने, उस तरह से यहाँ पे फ़ारेनहाइट में भी एक ग्रेजुएशन मार्किंग होता है। और यहाँ पे कह रहा है कि मेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और जो होता है ये 2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बेसिस से पर बना होता है। ये थर्मोमीटर जो होता है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जो होता है, 2 स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बेसिस पर यानी कि आधार पर बना होता है। वो दो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, तो लोअर
और अपर फिक्स पॉइंट यही है, यानी कि इन दो स्टैंडर्ड टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर और अपर फिक्स पॉइंट। और ये जो होता है एग्रीड अपॉन यूनिवर्सली, पूरे यूनिवर्सली में एग्रीड रहता है। यूजुअली द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट। सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो लोअर फिक्स पॉइंट में हम लोग जिस टेम्परेचर को लेते हैं उसमें आइस क्या होता है, मेल्ट करना शुरू करता है, जबकि वाइल मीन्स जबकि अपर फिक्स पॉइंट में जिस टेम्परेचर को लेते हैं उसमें क्या होता है, वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है, वाटर क्या बॉयल होना शुरू होता है, ठीक है। तो बॉयल होगा तो क्या होगा, वेपर में बदलेगा। और कह रहा है कि आप पहले से ही जानते हैं कि सॉलिड जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे पिघलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और लिक्विड जो है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बॉयल होता है तो उनका वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक और द्रव्यमान क्या होता है, तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्टिंग करना शुरू करता है उसका, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब कह रहे हैं कि दो समान रूप से यूज किए गए स्केल जिसे हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर मापते हैं, वो है सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल। अब सेल्सियस स्केल पर क्या होता है, आइस जो है क्या मेल्ट करता है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी सेल्सियस स्केल पर बर्फ जो है मेल्ट, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। और इन दोनों पॉइंट के बाद हम सेल्सियस थर्मोमीटर पर हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस थर्मोमीटर पे मार्किंग करते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को वो 100 इक्वल डिवीजन में, यानी कि 100 इक्वल डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं 10 मतलब होता है। इस प्रकार प्रत्येक डिवीजन जो है सेल्सियस स्केल का मेजर करता है क्या, 1 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस टेम्परेचर को। और इसका यूज जो है लेबोरेटरी में होता है, यानी कि लैब में, और क्लिनिकल थर्मोमीटर को हम लोग डॉक्टर्स थर्मोमीटर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा, इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज डॉक्टर लोग ही करते हैं, और क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज होता है फारेनहाइट स्केल पर, जिस पर आइस क्या करता है 32 डिग्री फारेनहाइट पे मेल्ट करता है, और वाटर जो है 212 डिग्री फारेनहाइट पे बॉयल करता है। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड टू 180 इक्वल डिवीजन, यानी कि दो पॉइंट के बीच की दूरी वो 180 इक्वल डिवीजन में डिवाइड होती है। दो पॉइंट के बीच की दूरी 180 बराबर भागों में विभाजित होती है। दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो प्रत्येक डिवीजन जो है 1 डिग्री फारेनहाइट के टेम्परेचर डिफरेंस को मापता है। इसमें अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थर्मोमीटर, थर्मोमीटर वर्ड पे हम लोग फोकस करते हैं, तो थर्मो का मतलब होता है हीट, और मीटर मीन्स एक तरह का डिवाइस है जो क्या करता है, हीट को मेजर करता है। टू मेजर द डिफरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे थर्मोमीटर कहते हैं। एक ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर मापने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसे थर्मोमीटर
कहते हैं। और थर्मोमीटर जो होता है विभिन्न प्रकार का होता है। हालांकि हाउएवर मीन्स हालांकि मोस्ट कॉमनली यूज थर्मोमीटर है वो है क्या, मरकरी थर्मोमीटर, जिसका यूज लेबोरेटरी यानी कि लैब में और डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर राइजेज विथ हीट, यानी कि हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को, किसी थिंग्स को, किसी मटेरियल्स को, किसी सब्सटेंस को, ठीक है, अगर हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये बात आप जानते भी हैं। कह रहे हैं कि जब आप क्या करते हैं, किसी वस्तु को गर्म करते हैं या उसमें हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। और इसके अगर विपरीत देखा जाए तो ये भी क्या है, सही होगा। विपरीत क्या है कि जब आप कुछ वस्तु को ठंडा करते हैं या ठंडा करते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, गिरता है। यानी कि कुछ वस्तु का कूलिंग करना कैसे होता है, तो उससे हीट को दूर रखा जाता है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा रखना है तो क्या करेंगे, हीट से उसको दूर रखेंगे तो ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो हीट जो होगा वो उसके सराउंडिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। व्हाई डज द बॉडी टेम्परेचर राइजेज, अब क्वेश्चन आपसे अराइज कर रहा है कि क्यों जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, कब, जब हम बीमार पड़ते हैं, तो जब हमको बुखार लगता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है। इसका आंसर देखिए क्यों बढ़ता है, देखा जाए तो फीवर इज एक्चुअली ए सिम्टम्स ऑफ आइलनेस। फीवर जो होता है वो बीमारी के एक तरह का सिम्टम्स है, एक्चुअली में फीवर बीमारी के एक तरह का सिम्टम्स है। और नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो बॉडी हैज इट्स ऑन मैकेनिज्म ऑफ टेकिंग हीट, यानी कि बॉडी का अपना एक मैकेनिज्म होता है जो हीट को रेगुलेट करता है, ठीक है। इसलिए क्या करता है, वो एक पार्टिकुलर लेवल पे टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है उस मैकेनिज्म के द्वारा। और जो जर्म होते हैं यानी कि जो पैथोजन होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, एल्मिंतस, ये सब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी फैलाने का काम करते हैं, वो जो होते हैं उनके कारण बीमारी होता है। और वो क्या करते हैं, बीमारी तो होता है जर्म जिसके कारण बीमारी होता है, और वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं किसके साथ, इस मैकेनिज्म के साथ, जिसके कारण क्या होता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। बात समझ में आया। ये अगला टॉपिक बहुत सिंपल है, हीट कॉज चेंज ऑफ स्टेट। हीट के कारण जो ऑब्जेक्ट की स्टेट यानी कि अवस्था होती है वो बदल जाती है, ठीक है। जैसे जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी सॉलिड को गर्म करते हैं, जब आप एक सॉलिड को गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, यानी कि ये लिक्विड में बदल जाता है। जैसे मानते हैं कि बर्फ़ को अगर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है, यानी कि लिक्विड बन जाता है। और जब आप इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, उस पानी को जब आप गर्म करते हैं तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, बॉयल हो जाता है, यानी कि ये वेपर में चेंज हो जाता है। और कन्वर्सली, ठीक, यानी कि ठीक इसके विपरीत, कन्वर्सली का मतलब क्या हुआ कि इसके विपरीत, जब आप ठंडा करते हैं तो ये वेपर टेक अवे हीट फ्रॉम इट। जब एक वेपर को आप ठंडा करते हैं या आप हीट से इसको दूर रखते हैं तो यह लिक्विड में बदल जाता है। और जब आप उस लिक्विड को ठंडा करते हैं या हीट से आप दूर रखते हैं तो ये सॉलिड में बदल जाता है। ये बात पहले भी आपको बताया गया होगा कि सॉलिड आइस को गर्म करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को गर्म करेंगे वेपर बनेगा, फिर वेपर को ठंडा करेंगे तो वाटर बनेगा, वाटर को ठंडा करेंगे तो आइस बनेगा, वही बात कह रहा है। और आप ये आप जानते हैं कि प्रत्येक सॉलिड का एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें वो क्या करता है, मेल्ट करता है। और वो कन्वर्सली उसी लिक्विड का वो क्या, फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है। और कन्वर्सली लिक्विड जो है सेम अमाउंट में जब वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट में चेंज होता है तो लॉस करता है। आगे
ये फिगर आप जब देख रहे हैं, इस फिगर से आप 6 डिफिनीशन याद कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड में बदला, लिक्विड जो है गैस में बदला, फिर गैस जो है सॉलिड में आया, सॉलिड जो है सॉलिड गैस लिक्विड में आया, लिक्विड सॉलिड में आया, फिर ये सॉलिड गैस में गया, गैस जो है सॉलिड में आया। तो ये सब डेफिनेशन है, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हीट के कारण जो है जो मटेरियल है उनका स्टेट बदल सकता है। हीट फ्लो ऑफ हीट, हीट अब फ्लो हो सकता है, ठीक है, या हीट क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँ, जब सॉलिड जो है लिक्विड में बदलता है तो उसको बॉइलिंग, और लिक्विड जो है जब गैस में बदलता है तो उसको इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है, और गैस जो है जब लिक्विड में आता है तो कंडेंसेशन, और लिक्विड जो है जब सॉलिड जो है लिक्विड में आता है तो उसको मेल्टिंग बोलते हैं। इस तरह से आप याद कर सकते हैं डेफिनेशन। यहाँ पे ये कह रहा है कि मरकरी इन ए थर्मोमीटर, यानी कि एक थर्मोमीटर में जब मरकरी जो होता है वो क्या होता है, राइजेज होता है, यानी कि ऊपर की तरफ उठता है, कब, जब आप क्या करते हैं अपने जीभ के अंदर इसे रखते हैं, और इस जिसके कारण वो क्या होता है, हीट होता है, यानी कि गर्म होता है, और वो मरकरी क्या होता है, फैलता है। तो फैलता है यानी कि आपके माउथ से वो हीट कहाँ गया, ग्लास बल्ब में, और तब उसके बाद से मरकरी में आया। जैसे मरकरी में हीट आएगा तो वो मरकरी क्या होगा, फैलेगा, यानी कि हीट जो है फ्लो हो सकता है या ट्रेवल कर सकता है, किस में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में, और यहाँ तक कि स्पेस यानी अंतरिक्ष में भी ये ट्रेवल कर सकता है। हालांकि यह ट्रेवल करता है डिफरेंटली थ्रू डिफरेंट मीडियम में, ठीक है, यानी कि यह यहाँ पे देर आर 3 डिफरेंट वे ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो होने के 3 अलग अलग तरीके हैं, वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन जो है में क्या होता है, कंडक्शन सबसे पहले सॉलिड में होता है, और इसमें जो है सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, और कन्वेक्शन जो है लिक्विड में होता है, गैस में भी होता है, और रेडिएशन जो है वो सन का जो लाइट आता है उससे क्या होता है, रेडिएशन से, उसके रेडिएशन से क्या हीट फ्लो होता है। जैसे कंडक्शन में इसमें क्या कर रहा है, यदि आप क्या कीजिए, एक पैन में जो आप बनाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट, उसको आप क्या कीजिए, हिलाइए, किस से, तो मेटल के स्पून से। अब जब से आप उसको हिलाते हैं तो उसका जो इंड होगा जिसको आप पकड़े हैं वो क्या होगा, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, यानी कि हीट जो है ट्रेवल कर रहा है स्पून के एक इंड से दूसरे इंड में किसके द्वारा, तो कंडक्शन के द्वारा, यानी कि वैसी प्रक्रिया, कंडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हीट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है किस में, सॉलिड में, वो भी एक्चुअली बिना मूवमेंट के, मूवमेंट पार्टिकल्स के, ठीक है, यानी कि सॉलिड में जब हीट का, हीट एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो भी बिना पार्टिकल्स के, मूवमेंट के, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। यानी दूसरे शब्द में देखा जाए तो कंडक्शन जो है एक सब्सटेंस के द्वारा हीट का फ्लो होता है, जिसमें क्या होता है, उस सब्सटेंस के पार्टिकल्स जो है मूवमेंट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये भी देख लें कि हीट जो है स्टॉप होता है कब, जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है, यानी कि हीट तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। जैसे ही सेम हो जाएगा हीट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब हीट फ्लो करेगा जैसे आपके माउथ से बल्ब, थर्मोमीटर के बल्ब की तरफ, और ये तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, जैसे आपके माउथ का भी और उस बल्ब का भी। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी देख लीजिए, करें कि हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेज अस थ्रू, यानी कि सूर्य से जो हीट एनर्जी हमारे पास पहुंचती है वो किसके द्वारा आती है, तो रेडिएशन के द्वारा। अभी आपको बताएं इन कंडक्शन जो है सॉलिड में होता है, और कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होता है, और रेडिएशन जो है सूर्य से जो
हीट हमारे पास पहुंचती है वो रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है। कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस ड्यू टू वार्म सी एंड कोल्ड अर्थ। अब कोल्ड अर्थ, अब ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होता है, तो जब जो है ठंडी हवा लैंड से सी की तरफ जाती है तो उसको हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं, यानी कि इसका आंसर हो गया लैंड ब्रिज, और जब ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ आती है तो उसको सी ब्रिज बोलते हैं, यही मेन डिफरेंस है। अब विच मेटल यूज थर्मोमीटर हम लोग इन लिक्विड फॉर्म, यानी कि कौन सा मेटल का यूज करते हैं हम लोग थर्मोमीटर जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो है आपका मरकरी। आगे ये कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, इवनिंग वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट या हीट आसानी से पास कर जाए उसको कंडक्टर बोलते हैं। इसका एग्जांपल है सिल्वर, ठीक है, आयरन, गोल्ड, एल्युमिनियम, कॉपर, ये और हमारा बॉडी भी क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है एंड इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर वैसा सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक करंट या हीट पास नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। और इंसुलेटर को हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, या पुअर कंडक्टर ऑफ हीट भी बोलते हैं। यानी कि ये इसमें ये कह रहा है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं उसमें एक समान हीट फ्लो नहीं होता है, वही बात इसमें बस कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। कि और यहाँ पे जो मरकरी जो है एक एक्सेप्शन है, हम जानते हैं कि लिक्विड और गैस में जनरली, लिक्विड और गैस जनरली जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, लेकिन मरकरी एक तरह का एक्सेप्शन है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। और इसमें और कुछ नहीं कह रहा है, जैसे इंसुलेटर के एग्जांपल हो गया पेपर, ग्लास, एस्बेस्टर, वुड, प्लास्टिक और रबड़, ये सब क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट के एग्जांपल हैं। अगर आप जलते हुए कागज़ के टुकड़े को अगर पकड़ते हैं तो आपका हाथ नहीं जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। या आप माचिस के तिल्ली को पकड़ते हैं, जलते हुए माचिस के तिल्ली को पकड़ते हैं फिर भी आपका हाथ नहीं जलेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, क्योंकि ये लकड़ी का बना होता है और लकड़ी हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो यही है, और अगले वीडियो में हम लोग कन्वेक्शन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर बताएं। यहाँ पे जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और इसमें हीट आसानी से पास हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉच।